दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। ओल्ड रेल ब्रिज पर वाटर लेवल अब कम होने लगा है, 207.98 मीटर तक पहुंच गया है वाटर लेवल। आईटीओ और शांति वन क्षेत्र में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात की गई हैं। आईटीओ इलाके में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। शांति वन क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बन चुकी है। लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर अब कम होने लगा है। वहीं इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है कि यमुना का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। घंटे पहले 207.53 पर आ गया है। कल तक तकरीबन 0.01 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से घट रहा था, अब वो काफी बढ़ गया है रेट। ऑलमोस्ट 0.1 मीटर हर दो से तीन घंटे में यमुना का स्तर गिर रहा है। जैसे जैसे यमुना का स्तर नीचे जाएगा, वैसे ही जो नाले दिल्ली भर से यमुना जी में जा रहे हैं उनका पानी भी ड्रेन आउट होना शुरू करेगा। बेसिकली जो अलग अलग कॉलोनीज में फ्लडिंग है, काफ़ी जगह फ्लडिंग इस वजह से नहीं है कि यमुना का पानी वहाँ पे है, पर जो नालों का पानी यमुना में जाना है उनका वाटर लेवल नीचे और यमुना का वाटर लेवल ऊपर हो गया है। तो इसलिए एक बार यमुना का स्तर नीचे जाता है तो मुझे उम्मीद है कि अगले 12 घंटे में कुछ तो रिलीफ दिल्ली वालों को मिलना चाहिए। देखिए, जो समस्याएं आ रही थी अब उन समस्याओं को निजात दिलाने में सरकार कोशिशें करेगी, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया है। हालांकि एक अच्छी खबर अब ये आ रही है कि फिलहाल जल स्तर अब कम होने लगा है। हालांकि इस बीच अगर बारिश हो जाए तो एक बार फिर से ये जो जल स्तर है वो बढ़ने लगेगा, लेकिन जल स्तर कम होने से लोगों ने राहत और आईटीओ से हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे जुड़ गई हैं। पूजा, देखिए जलस्तर तो कम होने लगा है, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है दिल्ली की सड़कों की? दिल्ली की सड़कों और विशेषकर चारुल, मैं आईटीओ की स्थिति का यहां पर जिक्र करूंगी। देखिए, यमुना का जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर पर दर्ज किया जाता है। अब यमुना का जलस्तर, जैसा कि हम तमाम दर्शकों को सुबह से ही जानकारी दे रहे हैं, 207 के आसपास आ गया है, जो कि कल तक 208 था। अनुमान ये है कि रविवार यानी कि कल तक 206 के आसपास आ सकता है। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आईटीओ का आपको हाल दिखा दें। देखिए, कुछ दूरी पर आप देख पाएंगे कि जलस्तर थोड़ा कम है, गाड़ियां रेंग रेंग कर अभी आगे बढ़ रही हैं। साथ में पुलिस हेडक्वार्टर्स की भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर्स है, पीछे जीएसटी अपार्टमेंट है और जीएसटी का ऑफिस है, माफ कीजिएगा, और साथ में ये मेडिकल एसोसिएशन का ऑफिस आप देख पाएंगी, और पीछे से ही राजघाट और यहाँ से सीपी आगे जाने का रास्ता है। और रास्ते का हाल देखिए, किस तरीके से यातायात प्रभावित हो रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोग बदहाली में जीने के लिए मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात ये चारुल कि दिल्ली का ये हाल उस वक्त है जब अभी दो दिनों से बारिश नहीं हुई है, जबकि मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि अब आगे के दो दिनों में बारिश दर्ज की जाएगी। 17 जुलाई से बारिश दर्ज की जाएगी, येलो अलर्ट जारी हो चुका है और यमुना का वाटर लेवल फिर से इंक्रीज हो सकता है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस साइड से देख पाएंगी कि बाढ़ का पानी इस साइड से आया है। यहाँ पर किसी तरह की कनेक्टिविटी आगे जा कर के नहीं है, यानी कि जो जो एरिया बीच में ढलान पे है वहाँ वहाँ पानी लॉक हो चुका है। अब पानी को निकाला कैसे जाए ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है आईटीओ का बैराज तो खोला गया, लेकिन आईटीओ के बैराज के बावजूद भी एक बैराज खुला है खाली, अभी भी चार का इंतजार है। पांच गेट हैं आईटीओ के, अभी भी चार का वेट हो रहा है। चारुल बिल्कुल, पूजा ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए जल स्तर हालांकि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ कम हुआ है, ऐसे में दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है, क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं, आप तस्वीरें दिखा रही हैं कि यातायात जो है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। अगर मुमकिन हो पाए, अगर आप इधर उधर जो लोग जा रहे हैं उनसे बातचीत कर पाए कि उन्हें फिलहाल राहत महसूस हो रही है या नहीं। फिलहाल में ठीक थी, खाना एक बार तो बट के चला गया, वो तो आता ही रहेगा। अब ये जस्ट बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर काफी ज्यादा जाम हो गया था, और सुबह सुबह राजघाट पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। और सबसे बड़ी बात चारुल, राजघाट का जब हम जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास रेगुलेटर खराब होने की वजह से इस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं। रेगुलेटर खराब होने की वजह से नाले का जो पानी है वो बैक मार रहा है। आप यकीन मानिए, मैं एक बार इस पानी की तासीर दिखाऊंगी तमाम दर्शकों को। ये जो पानी की तासीर है, देखिए कितना गंदा ये पानी है। अब ऐसे में सवाल ये कि बाढ़ जब खत्म होती है, बाढ़ का प्रभाव जब कम होने लगता है, उसके साथ में सीवर का पानी मिक्स होने लगता है, नाले का पानी मिक्स होने लगता है, तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। ऐसे में ये क्षेत्र जो कि पॉश एरिया बोला जाता है दिल्ली का, आईटीओ, राजघाट, सीपी, ऐसे इन क्षेत्रों को अगर सिविल लाइन जैसा क्षेत्र आप ले लीजिए, इन जैसे क्षेत्रों को अगर निजात नहीं मिल पा रही है बारिश के पानी से, नाले के पानी से और बाढ़ के पानी से, तो हम आम लोगों की स्थिति की क्या ही बात करें। आम लोगों की स्थितियां तो मैं लगातार आपको दिखाई रही हूँ, देखिए किस तरीके से लोग रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। एक बार मेरी कोशिश होगी कि हम उन तक पहुँचें और हो सके तो हम उनसे बातचीत करें। आप इधर आएंगे? देखिए ये डिवाइडर है रोड का और बीच में जाकर के वाटर लेवल बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे साथ में, इनसे मैं बातचीत करूंगी। आपका आईटीओ से आना जाना लगभग डेली में होता है? नहीं, डेली नहीं, मैं किसी कोई गुजर गया तो मेरे को पहले मैं वहाँ गया था आईटीओ से, इधर आया लक्ष्मी नगर, तो अब वहाँ से भी वापस जा रहा हूँ आईटीओ लक्ष्मी नगर से। आईटीओ से जा रहे हैं, आपने क्या सोचा था आते समय कि इतना ज्यादा पानी भरा होगा? मैंने बस में टिकट भी ली थी लक्ष्मी नगर की, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि आईटीओ तक है, और वहाँ पे बस बंद करके फिर यहाँ से पैदल गया पहले लक्ष्मी नगर, अब लक्ष्मी नगर से पैदल आ गया। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से बात करने की कोशिश है, आईटीओ में कितने दिन से यहाँ पर पानी भरा होगा? चार दिन हो गए यहाँ से, तीन चार दिन हो गए। तो देखिए दिल्ली लगातार जाम है, पांच दिनों से दिल्ली जूझ रही है, चार दिन से आईटीओ जूझ रहा है। ये भी है हमारे साथ में कुछ लोग, इनसे भी मैं बातचीत करूंगी। क्या आप आईटीओ रोज आते जाते हैं? हाँ जी, रोज आते हैं जाते हैं। ये पहले दिल्ली में कभी ऐसा हाल आपने देखा है? देखा, 71 में देखा, 78 में देखा, उसके बाद 65 में देखा, 71, 78 और 65, और अब? और अब इस बार तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है, पहली बार मैंने नहीं देखा था, आज सबसे ज्यादा देखा मैंने। बारिश में भी पानी भर जाता है, लेकिन क्या इस तरीके से पानी कभी भरता था? कभी नहीं भरा इतना। आप केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार, आपको दोनों सुन रहे होंगे इस समय, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो केजरीवाल कहेंगे और सुविधा करी जाए यहाँ पर पानी के निकलने, बिल्कुल भी बहुत पानी भर जाता है। इसके बाद जब मैं अगली कड़ी में आगे जाऊंगी, जब हम लाइव दे रहे होंगे, न्यूज इंडिया लाइव दे रहा होगा, उस टाइम पे मैं कोशिश करूंगी चारुल कि हम एक बार आपको वहां की भी तस्वीरें दिखाएं कि किन हालातों में लोग रह रहे हैं, शेल्टर होम्स किस तरीके से बने हुए हैं। देखिए लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो तस्वीरें मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। देखिए आप कांवड़ यात्रा की तस्वीरें सावन में देख रही होंगी, लेकिन सावन में दिल्ली में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी ये तो सोचा नहीं होगा।
ये लोग तमाम बच्चे हैं। तस्वीरें आपने दिखाई पूजा, लेकिन ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि फिलहाल दिल्ली वालों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।